हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ लक्ष्मी एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल लाइट हाउस अकेडमी, इजी वे ऑफ लर्निंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज इट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच। सो टुडे वी आर गोइंग टू टेक द लेसन हु इज़ द ग्रेटेस्ट एंड इन दिस लेसन देर आर टू स्टोरीज ऑफ अकबर एंड बिरबल एंड दैट्स व्हाई आई डिवाइड द वीडियो इंटू टू पार्ट, पार्ट वन एंड पार्ट टू। प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द लिंक। ओके, सो लेट्स बिगेन विथ फर्स्ट स्टोरी। हु इज़ द ग्रेटेस्ट, सबसे महान कौन। एम्परर अकबर और अकबर द ग्रेट इज नोन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे महान राजाओं में अगर किसी को गिना जाता है तो उसमें एक नाम है, वो है अकबर का। नॉट जस्ट बिकॉज ही हैड अ वास्ट एम्पायर, अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मी, अनटोल्ड वेल्थ, बट बिकॉज ही वॉज अ गुड ह्यूमन बींग। बाकी दूसरे राजाओं से उनको अलग करने वाली वो चीज़ थी वो कि सबसे बहुत अच्छे इंसान थे। उनके पास में बहुत बड़ा साम्राज्य था, उनके पास में बड़ी सेना थी, अनगिनत संपत्ति थी। ये सारी चीज़ें तो सभी राजाओं के पास में होती है, बट सबसे पहले वो एक बहुत अच्छे इंसान थे। ये चीज़ उनको दूसरे राजाओं से अलग करती थी। ही केयर फॉर हिज सब्जेक्ट, वो अपनी प्रजा का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते थे। ही हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर स्कॉलर्स, राइटर्स, पोइट्स एंड आर्टिस्ट बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन। यहाँ पर ये बात बहुत ही मायने रखती है, क्योंकि जब हम बात करते हैं अकबर की तो वो एक मुगल एम्परर थे, मुस्लिम एम्परर थे, बट स्टिल वो अपने रिलीजन के साथ साथ दूसरों के रिलीजन को भी इक्वली रिस्पेक्ट करते थे। नॉट ओनली दैट, आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि उन्होंने एक नया धर्म या नया रिलीजन भी बनाया था। सारे रिलीजन की अच्छी चीज़ों को लेकर उन्होंने दैन इलाही नाम का एक नया रिलीजन बनाया था, बट अनफॉर्चुनेटली जब वो थे तब उनके साथ में बहुत लोग थे, लेकिन उनके मरने के बाद में वो रिलीजन भी ख़त्म हो गया, दैन इलाही। आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ओके, सो वो एक ऐसे राजा थे जो दूसरे रिलीजन को भी इक्वली रिस्पेक्ट करते थे। नॉट ओनली दैट, उनके राज्य में जो भी विद्वान या कवि, लेखक या स्कॉलर्स जो भी थे उनको भी वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो। ही वॉज अ पैट्रॉन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, आर्ट और कल्चर, कला और संस्कृति के वो बहुत ही संवर्धक थे या उनको बहुत ज़्यादा मानते थे। द नाइन जेम्स ऑफ नवरत्नज इन हिज कोर्ट वॉज फेमस। हम सब नवरत्न दरबार के बारे में जानते ही हैं। उनके नौ रत्न यानी उनके नौ ऐसे लोग थे जो उनके बहुत ज़्यादा करीब थे, और उनमें से सबसे ज़्यादा करीब थे बिरबल। Many people believe that of these nine gems, Birbal was the closest to the emperor's heart. सबसे ज़्यादा दिल के करीब कौन थे? बिरबल थे। अकबर लव टू पोज इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम्स इन हिज कोर्ट। अपने दरबार में वो हमेशा कुछ न कुछ नए सवाल और कुछ ऐसी समस्याएं सामने रखते थे जिसका जवाब बिरबल क्या करते थे, बहुत ही इंटरेस्टिंगली, बहुत ही अच्छी तरीके से समस्या का समाधान भी निकालते थे और प्रश्नों के उत्तर भी देते थे। एंड बिरबल नेवर फेल टू कम अप विथ एन इक्वली इंटरेस्टिंग आंसर्स। वी डोंट नो वेदर ऑल द अकबर बिरबल स्टोरीज That were here today have any basis in history. हमें नहीं पता, क्योंकि अकबर और बिरबल की हज़ारों कथाएँ हैं, लेकिन वो सब सच है या नहीं इसका, इसके बारे में हमें नहीं पता, बिकॉज वो सारी स्टोरी जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बताई गई है और उसकी वजह से वो आज तक चली आ रही है। They have been handed down over generations, many by word of mouth. Here are two of them. और उसी में से दो कथा है हम आज लेने वाले हैं, जो पार्ट वन में है वो पहली कथा है, उसका भी टाइटल है Who is the greatest? सबसे महान कौन। One day the emperor entered the court with a very serious expression on his face. एक बार अकबर अपने दरबार में आए, लेकिन आते वक्त उनके चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा टेंशन था, वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर दिख रहे थे। As soon as he was seated on his सेड, जैसे ही वो अपने सिंहासन पे बैठने वाले थे उन्होंने कहा आई हैव द क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, मेरे पास आप सबके लिए एक सवाल है। व्हाट शुड बी द पनिशमेंट फॉर द समवन हु पुल्ड माय मुस्टैच। एक ऐसे इंसान के लिए क्या सज़ा होनी चाहिए जिसने मेरी मूछें खींची है। ये सुन के तो सारे लोग क्या हो गए, एकदम सरप्राइज हो गए, स्टन हो गए। द कोर्ट वॉज स्टंट। पुल द एम्परर्स मुस्टैच, इट वॉज अनहर्ड ऑफ। ऐसा तो कभी सुना ही नहीं था कि किसी ने अकबर की या राजा की मूछों को छुआ हो या उनको खींचा हो। फ्लॉक हिम, गिव हिम 50 lashes ऑफ द व्हिप, एक्सक्लेम्ड वन नोबल मैन। दरबार में बैठे हुए एक आदमी ने कहा कि ये तो
बहुत ही बड़ा अपराध उसने किया है, तो उसको क्या करना चाहिए, कोड़े देने चाहिए, 50 कोड़े मारने चाहिए, हंटर मारने चाहिए। दैट्स नॉट इनफ, पुट हिम इन अ जेल विदाउट फूड एंड वाटर। दूसरा एक आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा कि ऐसे आदमी को तो जेल में डाल देना चाहिए और कैद में डाल के उसको खाना और पीने के लिए पानी तक नहीं देना चाहिए। वाइप हिम, बीट हिम अप, हैंग हिम, कट ऑफ हिज ऑफेंडेड हैंड्स। और अलग अलग लोग अलग अलग सज़ा बताने लगे कि उनके उसके हाथ काट देने चाहिए, उसको जेल में डालना चाहिए, उसको फांसी पे लटका देना चाहिए। द एजिटेटेड कोर्टियर्स बिगेन टू क्राई, और सारे लोग एक दूसरे के साथ में बातें करने लगे और पूरे दरबार में जैसे कोलाहल मच गया। ओनली बिरबल वॉज साइलेंट, ही वॉज इवन स्माइलिंग अ लिटिल। ये सब बिरबल देख रहे थे और वो शांति से बैठे हुए थे और थोड़ा थोड़ा बैठे बैठे मुस्कुरा भी रहे थे। वॉट डू यू से बिरबल, वॉट इज़ योर ओपिनियन। तभी अकबर की जो नज़र है वो बिरबल के ऊपर गई और उन्होंने कहा बिरबल से कि तुम्हारी इसमें क्या राय है। इन माई ओपिनियन ओ गिवर ओ पीस ऑफ द वर्ल्ड, द ऑफेंडेड शुड गिवन हिज फेवरेट स्वीटमीट्स। उसने कहा कि मुझे लगता है कि जिसने भी आपकी मूछें खींची है उसको तो कुछ मीठा खिलाना चाहिए, ये उसकी सज़ा होनी चाहिए। राजा बिरबल, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, गिव स्वीटमीट्स फॉर सच अ ग्रेव ऑफेंस। आप क्या बोल रहे हैं, आपको समझ में भी आ रहा है कि उस आदमी ने क्या गुनाह किया है, राजा की मूछों को छुआ है और आप बोल रहे हैं कि उसे मिठाई खिलानी चाहिए। द कोर्टियर्स बिगेंस टू से, सारे कोर्ट में बैठे हुए या दरबार में बैठे हुए लोग बोलने लगे। बिरबल स्माइल्ड एंड ऑफर्ड एन एक्सप्लेनेशन। तभी बिरबल खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हाँ हाँ आप शांत रहिए, मैं बताता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। यस, हु वुड बी सो बोल्ड एज टू पुल द एम्परर्स मुस्टैच। पहले ये तो सोचिए कि ऐसा कौन इंसान हो सकता है जो राजा की मूछों को छूने की हिम्मत करे। ओनली हिज ओन ग्रैंड सन, वो कोई नहीं है दूसरा, वो है उनका खुद का पोता। वेन अकबर हर्ड दिस ही बर्स्ट आउट लाफिंग, बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली वॉट हैड हैपन इन द मॉर्निंग। और राजा अकबर जो थे एकदम से जोर से हंसने लगे और यही हुआ था, वो उसी की बात कर रहे थे, उनके पोते की ही बात कर रहे थे। आज सवेरे वही हुआ था, वो उनके पास आया था और उनके साथ खेल रहा था और उनकी छाती पे बैठ के उनकी मूछें खींच रहा था और उसी वजह से ये सारी चीज़ें हुई थी। ये है स्टोरी पहली वाली जिसमें हु इज़ द ग्रेटेस्ट है। ओके, सो आई थिंक कि आपको ये स्टोरी समझ में आ गई है, तो हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में दूसरी स्टोरी। ओके, थैंक यू सो मच।